यूपी 26 वाले एक भैया जो थे वो डर गए थे गाड़ी आगे डालने में, तो मैंने बल्कि रोक दी थी साइड में गाड़ी उनको आगे करने के, पर वो गए नहीं आगे को, फिर मेरे को साइड होके निकालनी पड़ी गाड़ी। और यूके 04 तो खैर ब्रीजा जा रही है अपनी। वेलकम बैक टू द चैनल, नेहा द ट्रैवलर में आपका स्वागत है, या फिर एनटीटी कास्ट में आपका स्वागत है। मैं तो नेहा द ट्रैवलर ही बोलूंगी क्योंकि मैं नया हूँ। तो गाइज आज का हमारा जो वीडियो है वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, और रोड सेफ्टी से रिलेटेड हमारे चैनल में दो वीडियो बन चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैं बताने वाली हूँ कि पहाड़ों में डाउन हिल में गाड़ी कैसे चलाए, स्पेशली फॉर बिगनर्स। बिगनर्स ही नहीं, हम मतलब हम सभी के लिए चीज़ लागू होती है, क्योंकि काफ़ी नीचे के लोग हैं जो प्लेन्स के लोग हैं यहाँ घूमने आते हैं पहाड़ों में, और उनको आइडिया नहीं होता है कि कैसे हमें गाड़ी चलानी है, क्योंकि प्लेन्स में तो सीधी सीधी रोड्स होती है तो ज़्यादा डाउन हिल हमें मिलता नहीं है, लेकिन पहाड़ों में आपको हर 2-3 मोड़ के बाद डाउन हिल का सामना करना ही पड़ता है, और काफ़ी लंबे लंबे तक। तो हमें कैसे गाड़ी चलानी है और कैसे गाड़ी को हमने कौन से गियर में शिफ्ट करना है, कैसे हमें गाड़ी को ड्राइव करना है, ये सब मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, इन सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो गाइस आ गए ड्राइविंग सीट पे और आपको बताऊंगी अब मैं कैसे चलाएंगी गाड़ी हम डाउन हिल में पहाड़ों में, क्योंकि देखिए हमें सेफ्टी रोड सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही पड़ता है गाड़ी चलाते समय, लेकिन हमें कैसे गाड़ी चलानी है पहाड़ों में डाउन हिल में उसका भी बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए चलाते हैं गाड़ी को, और देखिए अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट की है जस्ट, और अब इसको हम लोग डालते हैं, नीचे करते हैं उसको, फर्स्ट गियर में डाला और हमने ये गाड़ी स्टार्ट कर दी। और आप सामने देख सकते हैं मैंने अभी गाड़ी पूरी डाउन हिल में रख रखा है, क्योंकि आपको इस बार जो वीडियो है वो डाउन हिल का ही है, तो गाड़ी हमने पूरी डाउनहिल में रख रखी है। और देखिए स्पेशली जब गाड़ी हम चलाते हैं तो सामने देखिए कैटल्स भी रहती है, और इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अचानक से मोड़ों पे कभी पूरी झुंड के साथ खड़ी रहती है और हमें पता नहीं चलता है, और इससे भी काफ़ी टाइम जो होते हैं एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। देखिए सामने से बस आ रही है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, सामने से बस आ रही है वो देखिए, और मैं यहाँ उसको बस को पास देने के लिए यहाँ पर साइड में अपनी गाड़ी रोक दूँगी, और अपना तुरंत जो मेरा गियर है वो फर्स्ट में आ जाएगा। और चढ़ती हुई गाड़ी को, और बड़ी गाड़ी स्पेशली, तो उसको हमेशा पास दो, क्योंकि क्या कहते हैं भारी होती है और ऊपर को चढ़ रही है तो पास देना भी ज़रूरी बन जाता है। आओ आओ चलो यूपी 26 वाले एक भैया जो थे वो डर गए थे गाड़ी आगे डालने में, तो मैंने बल्कि रोक दी थी साइड में गाड़ी उनको आगे करने के, पर वो गए नहीं आगे को, फिर मेरे को साइड होके निकालनी पड़ी गाड़ी। और यूके 04 तो खैर ब्रीजा जा रही है अपनी आगे, बढ़िया आजकल तो ब्रीजा काफ़ी छाई हुई है लोगों पे। तो गाइस करते हैं मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात यह है कि जब भी हम पहाड़ों में डाउन हिल पर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें अपनी गाड़ी स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, स्पेशली हमें गाड़ी को क्या रखना है, हमें थर्ड गियर डाल के गाड़ी को छोड़ देना है, और फिर स्टेयरिंग और जो हमारी ब्रेक है उसमें हमें ध्यान देना है, और वो ईजिली आप कंट्रोल कर सकते हैं वहीं पे। देखिए जैसे मैं अभी थर्ड में गाड़ी चला रही हूँ तो मैं अपना स्टेयरिंग भी कंट्रोल में है और मेरी ब्रेकिंग भी कंट्रोल में है, लेकिन अगर मैं इसमें फोर्थ या फिफ्थ गियर डाल देती हूँ तो मुझे ब्रेकिंग भी करनी पड़ेगी, अब शिफ्ट भी करने पड़ेंगे अपने गियर, और मुझे अपने जो ये स्टेयरिंग है इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और दोनों एक साथ मतलब कंट्रोल करना बहुत ईजी नहीं होगा हमारे लिए, थोड़ा टफ होगा। और अब हम जाते हैं इसके नीचे की साइड, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं कि नीचे की साइड भी डाउन हिल है, और देखिए इन गायों से तो बच के ही रहना है ना। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, जब मैं अगर फोर्थ या फिफ्थ गियर डालूंगी तो मुझे बार बार अपने गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे दोनों हाथ अंगेज हो जाएंगे, एक से मैं अपना गियर शिफ्ट करूंगी और दूसरा मैं स्टीयरिंग में रहूंगी, तो मुझे दोनों में मैं अपने जो वो है पॉस्चर है वो खो सकती हूँ, अपने जो कंट्रोल्स है वो खो सकती हूँ। और इसमें क्या होता है स्पेशली पहाड़ों में ये होता है कि एक तरफ होती है खाई और दूसरी तरफ होती है पूरी पहाड़ी, तो दोनों ही खतरे में होते हैं और हमें पता नहीं है सामने कौन आ रहा है, ब्लाइंड मोड रहते हैं तो हम डेंजर में आ सकते हैं इसकी वजह से। तो हमें अपने जो कंट्रोल्स है वो भी ध्यान में रखना है, और हमें जो पहाड़ों में गाड़ी है डाउन हिल में हमें थर्ड गियर में डाल के छोड़ देनी है। ज़रूरी भी नहीं है कि आप थर्ड गियर रखें, हो सकता है कि आपको कभी सेकंड गियर डालना पड़ जाए या फर्स्ट गियर डालना पड़ जाए, और या हो सकता है कभी कभी फोर्थ गियर डालना पड़ जाए, वो भी आप ढलान देखते हुए कि वो सिचुएशन बनेगी कि आपकी ढलान कितनी है, कम है कि ज़्यादा है, वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।